गाँव वाल साइड से लगान वंद ज्यादा वंद बराबारी हूँ माहौल तमि खुद ग कहालत बाकी खेवान बाकी मुल्क मजान नबर ग पत्न दिल्ली मज न बम्बे मज ग लगान ये अगर कह प्रेगनेंट जनान तमिस लगान ये तमि साम सा थोड़ा बहुत दिवान तमिस तमिस कवत मान तमि हिसाब किताब रोजान अम सू वन तक चलान बुजर्ग कहान ब्रोट कहान रोज वन तान सिलसिल रूद चालू ये हे बंद ग क्या लाजे गोरमेंटस मान बैन डाक्टर वनो अम सौ ग कैंसर हूँ वनक डाक्टर फारिन कंट्रीन मे गस ज्यादा खेवान ये कश्मीरी पंडित अमुक ज्यादा कर खेवान ये ज्यादा वनकस ग जोम तक वनकस तम नवान तम वसान योर तम नवान ये अमु तम खेवान ये असल कस्म अलग है वागन है पालक है अंद है टमाटर है दह पंदा कस्म जरूरत ही क्या इन चटान तम सत सब्जी पत् हकन पे त्रावान कृपालन पे त्रावान पे भरान तौर मे पूर हो ग अच्छा गो ना कैमिकल अच्छा कैमिकल कैमिकल त्रो तेल क्या रूद ना मजे कहूँ ये अमूमन ब्रोट हकन घर वे अमूमन तम अलगन तम हकन आज से नो बुय आई अमु तजुबा कहें तम जिट बना घर मजान ये ब्रोट बराबरी पे सारी कर पन पन इस्तेमाल पाइप तम हकन टमाटर अल वागन हकन पे कर हकन बाकी चोर मान सहूलियत छो तमो छोड़ मान सहूलियत अमे मूजूब यह मान दस्ती दस्ती ग तैयार मिसाइल एमरजेंसी वाजवान तमें दपान वो चोर मत ऐसा खुद वो एमरजेंसी मूजूब करान इस्तेमाल एमरजेंसी बोझ खानदर लागान रोटे दह लक्ष लागान कि ना अमूम लाए गरीब बिचार पान हिसाब रोपये लाख या रोपये डोड लक्ष गोड़ कर माज इस्तेमाल थो सोती गोड़ तेज प्रान रोहन कर इस्तेमाल गोडनेथ तेज प्रान लागू चट तम पेमस प्रान लागू न्याय मज तुम कहें चीज गोम जो चीज आल ना क्या माज हेकि कर प्रान वर चल अगर प्रान ओर सा रोप तक किलो नुन क्या मजे बदल योज खालान वाजवान खालान यो नस वाजवान वाजवान मे खा कसनस मशा वो नौ पूछा करान इस्तेमाल मगर यह चालू यह चालू वो वन तम बंद क्या मे ग मान मान अलग ताजा ताजा सब्जी पे चटान पे हकन अमुक मजु गो अलग नीर सब्जी तमिक मजु गो अलग तुम नियो अलग तो पत्व टमाटर सी वो अमुक मजु क्या या हंग रू अमुक टेस्ट वो क्या तुत लग नीजे हंगि मजे यूत ये लगान तो पत्र तो पे वो अमुक टेस्ट क्या मरवा मरवास मरवान आम मरवान क्या फर्क गमें यह हकन अच्छा टेस्टस मे क्या तब्दीली गोल तमें अलग मज मगर हकान तमें पूरे हकान अड़ी घर खेल पिमान पे कड़ा पोट बनवा पन बनान प्योर नचर तकान ज्यादा टेचर अहन टेचर रंग कलर तसान कलर तसान हो खसान वो तजाद की बात है। घर नहीं लाई जाती थी, घर में ही बनाई जाती थी। जो उस वक्त का मामला था कि हमारे यहाँ जो सर्दियाँ होती थी बहुत शिद्दत की हुआ करती थी और बर्फ़ का इतना बर्फबारी होती थी कि हमारे जो रास्ते बंद हुआ करते थे, 10-10 फीट
बर्फ हुआ करती है जो हम बुजुर्गों से सुनते हैं। तो ऐसे माहौल में फिर खाने पीने का एक बहुत बड़ा मसला हुआ करता था। चावल हमारी लोकल पैदावार थी और वो नवंबर आने तक वो चावल जितना भी हमारे ज़मींदार लोग हुआ करते थे, किसान लोग हुआ करते थे, वो समेट लिया करते थे और हमारी पूरी आबादी के लिए काफ़ी हुआ करते थे। तो ऐसे में मसला जो था वो सब्ज़ियों का था। तो सब्ज़ियों का एक रिवायती तरीका जो हमारा था वो ये था कि हम गर्मियों के अय्याम में हैं, सब्ज़ियों की इतनी मिकदार अपने घरों में जमा किया करते थे, पूरे सर्दियों के लिए हमारे लिए काफ़ी हुआ करती थी। इन सब्ज़ियों का क्या करते थे, इन सब्ज़ियों को सुखाया करते थे, जिसमें आप कद्दू देखें, शलगम देखें और टमाटर देखें और ऐसे ही बैंगन देखें, और जो भी सब्ज़ियां हैं वो सुखाई जाती थी और सर्दियों में उनको इस्तेमाल किया जाता था। तो ऐसे में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं खड़ी हुआ करती थी जिसको हम संगीन कहें, जिसमें फाकाकशी की नौबत आए। तो ये जो खुराक का था ये हम मामला जो है अपनी सर्दियों के मुकाबले में ही स्टोर किया करते थे, और ऐसे में सब्जियों के मामले में सूखी सब्जियां हमारी रिवायत थी, हमारी विरासत थी। बड़ी वजह थी क्योंकि रसल रसायल की जितनी भी ज़राया हुआ करते थे वो मुनक़ता हुआ करते थे। बर्फ़ इतनी हुआ करती थी कि सड़कों पर से बर्फ़ हटाना उन दिनों बहुत मुश्किल थे, और सड़कें भी इतनी जदीद नहीं थी कि उन पर उतना ट्रैफिक चलता। तो आप देखेंगे हमारे जो रास्ते थे वो तो एक श्रीनगर मुजफ़्फ़राबाद रोड हुआ करता था और बानिहाल काट रोड हुआ करता था, और रास्ता जो ज़ेर इस्तेमाल था वो जिसको कहते हैं कि मुजफ़्फ़राबाद रोड, वो हुआ करता था। और वो सर्दियों के ज़्यादातर अय्याम बंद ही रहा करता था क्योंकि बर्फ़बारी इतनी हुआ करती थी कि उसको सड़क से हटाना बहुत मुश्किल था, और इस तरह जो है सर्दियों में हम बाहर की दुनिया से मुनक़ता हुआ करते थे, और जितना भी हमारा डिपेंडेंस हुआ करती थी वो हमारी लोकल पैदावार पे हुआ करती थी। लोकल पैदावार में चावल और सब्ज़ियाँ, और सब्ज़ियाँ वो सब्ज़ियाँ जो गर्मी में ही सुखाई जाई करती थी, और ये हमारे घरों में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था। हर घर में इस हवाले से तैयारियां गर्मी में ही होती थी, सब्जियां बड़ी मिकदार में खरीदी जाया करती थी और जिनको घरों में ही हम सुखाते थे, रिवायती तरीके से सुखाते थे। और कई मकान अगर आप फोटोग्राफ्स लाने देखें पुराने मकानों के, तो वहाँ पे आपके शलगम के जो मालाएँ हुआ करती थी जिसको कश्मीरी में हम गुगजार कहते थे, बड़े शौक से खाया करते थे और बड़ी लजीज हुआ करती थी, इनमें लज्जत बाकी रह जाती, लज्जत इनकी सुखाने से नहीं निकलती। साइंस से किसी का तजाद नहीं हो सकता है, साइंस साइंस है। अगर साइंस कहता है कि ये सब्ज़ियाँ सेहत के लिए मुज़र हैं तो हो सकता है कि सही हो। तहकीक की बुनियाद पे अगर ये कहा जा सकता है कि कहा जा रहा है कि ये सब्ज़ियाँ सेहत के लिए ठीक नहीं हैं, लेकिन साइंस के पास ऐसे भी तरीके मौजूद हैं जो इन सब्ज़ियों को हमारे सेहत के लिए इस तरह से बनाने के तरीके निकालें कि वो हमारे सेहत के लिए ख़राब ना हो, और हम सब्ज़ियाँ सुखाएं और सर्दियों में खाएं और उनकी लज्जत का भरपूर लुत्फ उठाएं।